ये दो ऑप्शन है तेरे पास, फ्रंट मुझे मजा नहीं लगा इसका। अच्छा मैंने इसको कहा कि यार रेंज बढ़ा ले तो ये वाली ले लेते हैं भाई, अगर पाकिस्तान में शशका मार रहा है ना इससे ऊपर कोई गाड़ी नहीं है। थर्ड फोर ले ले जाके जान छुड़ा, ठीक है ना, ज़्यादा जलालत में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि हम कौन सी गाड़ी लेके जाएंगे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अभी हम शुरू करते हैं आगे की जर्नी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें भाई, आज ना हम कोई गाड़ी ढूंढने निकले हुए हैं और हमारे साथ है भाई, क्या हाल है तला, ठीक है ये माशाल्लाह एकदम ही, और कहते हैं रात को चांदनी चमकी, ये रातों रात दुबई पहुंच गया भाई, अब पैसा ही पैसा हो गया, जी ने दुबई बुला लिया और ऐसा रिच हुआ अभी 1 करोड़ रुपए ले गया है कि गाड़ी लेनी है। कौन कौन सी ऑप्शन रखी है, ऑप्शन तो आप बताएंगे। होंडा मैंने तो भाई ने बताया था, भाई ने कहा था मैंने सिविक एक्स लेनी है, मैं कहा यार ऑप्शन एक ना रखो बड़ी जलालत होगी, ऑप्शन दो रखो तो बंदा ढूंढने में इजी रहेगा, ठीक है ना। अभी मैंने दूसरी ऑप्शन रखी है कि यार ये रखोगे ना तो बेस्ट रहेगी, ये है क्राउन की ऑप्शन, तो अभी हम क्राउन का मॉडल भी देख लेते हैं कौन सा हमें सूटेबल लगेगा। और अरसलान जट को हमने किया तो फोन, लेकिन उनकी सारी गाड़ियां बिक चुकी हैं, तो अब देखो क्या होता है, अब शोरूम जाके देखते हैं, साथ रहिएगा भाई, एंजॉय कीजिए। अभी हम चल रहे हैं शोरूम पे, अच्छी खबरी आज की, रोजा कौन सा रह गया यार, कितने रह गए, 2-3 रह गए रोजे, तो बस बस आ जाइएगा आके सीन दिखाते हैं। अगर बॉयज इस्लामाबाद की प्यारी प्यारी रोड्स के ऊपर हम फिर रहे हैं और 2-3 शोरूम पे गए हैं, लेकिन वहाँ पे इन्होंने फ्रॉड किया फोन करके कि गाड़ी खड़ी है, लेकिन गए हैं तो कहते हैं अभी मंगवा देते हैं, फिर हमने कहा भाई टाइम नहीं है, अब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। और ये देख चेक करें आपकी फेवरेट मार्केट्स बॉयज, अभी हम पहुंच गए हैं अल शेख मोटर्स, और अल शेख मोटर्स में आपको मिलेगी दुनिया जान की महंगी तीन गाड़ियाँ, और बाबा जी आपकी सिविक एक्स भी खड़ी है इधर, प्राडो भी खड़ी है, आई बहुत खुशी हो रही है, चलो मजे मजे मजे। ये देख भाई मेरे लिए चॉकलेट लेके आए, चलो जी भाई शोरूम के अंदर आ गए हम, और शोरूम के अंदर अभी गाड़ियाँ बिल्कुल भी कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि सिविक एक देखिए 17 मॉडल खड़ी है, तो 17 मॉडल लड़के को समझ नहीं आ रही, ग्रे कलर सिल्वर कलर है ना, हाँ वो तो कहा है ना कि मंगवा देते हैं, अभी तो फिलहाल ये खड़ी है, और वैसे ग्रे यार ठीक नहीं है, ग्रे अच्छा मॉडल, इनका सिल्वर थोड़ा डार्क है, देख ले या तो फिर ये एमजी देख ले, अगर एमजी अगर फैमिली को लेके देनी है तो एमजी मेरे ख्याल से अच्छी ऑप्शन है। तूने तो खुद चलानी नहीं है, तूने खुद दुबई चले जाना दोबारा, हाइटेड है देखो ना, असल में लोग ही इसको इसलिए भी बाय करते हैं, थोड़ी सी लैंड क्रूजर वाली फील भी आ जाती है छोटे पैसों में, छोटे साइज में नॉकिंग का था वो मेरे ख्याल से फ्यूल की वजह से था, और वो सिविक में भी है, फ्यूल अच्छा नहीं डालोगे उसमें भी नॉकिंग आ जाएगी। तो बाकी यार मुझे तो इंटीरियर वाइज लुक वाइज तो बहुत प्यारी लगी है, ये चेक करें यार इसका इंटीरियर है ऑलमोस्ट बहुत प्यारा है, और सिविक से ज़्यादा प्यारा है इसका इंटीरियर, ठीक है ना, तो इसमें कोई इतनी बड़ी ये बहस नहीं है, बहुत प्यारा इंटीरियर है इसका, लेकिन है ये चाइना की, तो बस ये इतना हिसाब है। कार्स यहाँ पर भी खड़ी हैं, ये देखें एम जी की कोई नई सीरीज़ खड़ी है, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक है, बिकॉज इसका ये जो ग्रिल है ना यहाँ से हाफ पीस नज़र आ रहा है, तो ये आई गेस के इलेक्ट्रिक होगी, और अंदर से भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, हैं फुली इलेक्ट्रिक है, अच्छा खुली हुई है, मैं क्या कह रहा फुली, ओह नाइस यार बहुत प्यारा इंटीरियर है इसका, और ये कितने की है जी, ये 1-10 की, 1-10 की इलेक्ट्रिक है, MG5 ठीक हो गया, बेहतरीन यार, चलो भाई देखते हैं उसकी गाड़ी ढूंढने किसी और शोरूम में जाते हैं, अभी तो यहाँ पे समझ नहीं आई। अच्छा मैंने इसको कहा कि यार रेंज बढ़ा ले तो ये वाली ले लेते हैं भाई, अगर पाकिस्तान में शशका मार रहा है ना इससे ऊपर कोई गाड़ी नहीं है, और ये इस पे राज़ी भी हो गया, ये कह रहा है कि यार ये गाड़ी बहुत प्यारी है, लेकिन ये अभी जो है ना 2 करोड़ प्लस की है, 2 करोड़ 35 लाख की गाड़ी है, तो वो इस वजह से ना थोड़ा सा डाउटफुल में है, और इससे पीछे भी एक खड़ी भी है वो भी दिखा देता हूँ, और ये 12 मॉडल है, तो इसका 1.35 मांग रहे हैं, ठीक है जी, नंबर भी अच्छा है, ठीक है यूनिक नंबर है, और बाकी आपके सामने है, ये देख भाई ये वाली
12 मॉडल देख जी। मज़्ज़ा को जो मैंने कलर करवाया था ना आज, मैंने मर्सिडीज़ एस क्लास पे भी देख लिया, ठीक है जी। S350 पे लगा हुआ, इस पे तो बहुत डार्क है, हमारा थोड़ा सा मेटालिक ज़्यादा है, ये चक्कर है। इस लड़के को कहा ये वाली गाड़ी ले ले भाई, अप्लाइड फोर ले ले, जाके जान छुड़ा, ठीक है ना, ज़्यादा जलाल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक मरता तस्वीरें वगैरह घर भेज दो उसकी, और मैंने कहा 0 मीटर जाके ख़रीद ले, अभी मौके पे मिल सकती है कुछ शोरूम के ऊपर। और इस साइड पे अगर आप देखें टुसॉन, ठीक है ना, हुंडई की, और ये भी ऑप्शन है, और मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद है, लेकिन एडवांस लुक में वो ज़्यादा है, और हंगरी वगैरह में जाना है तो ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छी ऑप्शन है। कोरियन है ना मेरे ख्याल से ये हुंडे, तो ये मेरे ख्याल से कोरियन है और वो है चाइना, तो देख लो दोनों में से कौन सी है इसको सूटेबल लगती है। अभी आपको इंशाल्लाह फैसला हम इस वीडियो में कर देंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि हम कौन सी गाड़ी लेके जाएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी हम शुरू करते हैं आगे की जर्नी। बॉयज मर्सिडीज़, ये मर्सिडीज़ कौन सी है, फोर्ड है, चेक करें फोर्ड, कलर चेक करें यार कितना ज़बरदस्त है, अच्छी डाईकास्ट बनी है। ये ना लेना यार, ये ले ले यार। चलो जी ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। लो बॉयज एक बार फिर हम कार स्पेशलिस्ट पे आ चुके हैं, बिकॉज जैसे दिख होती होती आ वो आए क्यों हैं ये भी बताते हैं ना। असल में हमारा जेन बन गया 0 मीटर गाड़ी खरीदने का, और पैसा बहुत है ना यार, 0 मीटर फिर बुक करा लेते हैं। और अभी दुबई से आया मेरा भाई, पैसे ले गया है गिनोटो की गाड़ी, अभी देखते हैं यार क्या सा निज़ाम बनता है हमारा, अंदर जाने लगे हैं। ठीक है जी, अभी यहाँ से जेन बना था ये 24 मॉडल, इसको 81 में मिल रही है, ठीक है जी, ऑन द स्पॉट। तो सबसे बड़ी बात ये है, अभी ये सिविक एक्स पे जा रहा था, सिविक एक्स में जो इसमें जो फीचर है ना सिविक एक्स में नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो एक तो इंटीरियर फीचर्स, मतलब ऑटो असिस्ट वगैरह, ये सेंसर्स वगैरह, लटरम बटरम, पैनोरामिक सनरूफ, ये तुझे ना सिविक एक्स में नहीं मिलने लगी चीज़, ठीक है ना, और ये उतने प्राइस में ही। हाँ सिविक में जाना है तो लेटेस्ट मॉडल वाली में जाओ, ठीक है ना, नहीं तो फिर ये ऑप्शन मच बेटर, एवरेज की वजह से मार खाती है बस, बाकी बहुत अच्छी गाड़ी है। मुझे अखबार तो नहीं कर रहा, नहीं यार नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा अखबार करेंगे आपका आईफोन कौन सा है वैसे, दिखाई यार इधर 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 1TB, माशाल्लाह ज़बरदस्त यार, 1TB कसम का, 1000 GB बाबा जी सही अपू के पैसे, फुल टाइम 10-10 करके उड़ा रहे हो। अच्छा जी अब काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं उड़ा रहे, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह काम कर रहे हो तुम लोग। अच्छा शेड बन गया भाई, यहाँ पे GS पे फिरते थे, वहाँ अब मर्सिडीज़ भी, मैं अभी दिल के करीब, अभी भी सोचता ना तुम्हें याद आता है भाई, GS भी GS है। लो भाई बहुत प्यारी गाड़ियाँ हमारे लिए ऑप्शन खड़ी हैं, एक है हैवल H6 और ये मैंने इसको मशवरा दिया है, एक ये मशवरा मैंने दिया, मैंने कहा सिविक अगर लेटेस्ट खरीदनी है उसके बदले में रिप्लेस में ये ख़रीद ले, और ये लग्जरी एलीट क्लास कार है, ठीक है। और वो किधर गई, अच्छा ठीक है वो अंदर खड़ी है, अभी ये दो ऑप्शन है, ये है वो है टुसॉन है, अच्छा ये देख ले, ये दो ऑप्शन है तेरे पास। फ्रंट मुझे मज़ा नहीं लगा इसका, किसका टुसॉन का, बहुत प्यारा यार ये, पूरी एक DRL चलती है। हाँ, वो तो है, और अगर बीफी लुक में चाहिए ना बीफी लुक, तो बीफी लुक मेरे ख्याल से ये वाली है हैवल, और इसके अंदर तुझे हाइब्रिड इंजन मिलेगा, और सबसे बेस्ट एवरेज जो है ना, मैं 25 की एवरेज अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही, बॉयज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, पता नहीं काफी लोगों शोरूम वाला भी कह रहा है कि 25 की एवरेज दे रहे हैं गाड़ी, मैं मान ही नहीं रहा यार, पता नहीं क्या चक्कर है, गाड़ी लॉक है। बहरहाल ये गाड़ी तुझे मौके पे मिल जाएगी कल, अब्बू का मनवा ले ये गाड़ी ले ले, लेकिन नहीं नई चीज नहीं होती है। अब ये मज़ा नहीं आएगा तो देख के, अब वैक्स देख के मज़ा नहीं आएगा, अब वैक्स देख के मज़ा नहीं आएगा। बहरहाल भाई अब्बू का मनवा ले, मेरे ख्याल से दो गाड़ियाँ और तीसरी जो अंदर खड़ी MG, सबसे सस्ते में MG है 8160 की मिल जाएगी, और ये वाली 1,27,00,000 की है, 1,27,00,000 की हैवल मिल, सोनाटा 1,11 की है, 15 की, हाँ 1,15 की, 1,17 की, 24 मॉडल 1,17 की, हाँ और जो 23 मॉडल है 15 की, ठीक है। तो बॉयज़ अभी ये ऑप्शंस हमने रखी हैं, और मेरे ख्याल से बहुत प्यारी ऑप्शंस हैं, और आप लोग भी ये चीज़ देखें कि हम किस तरह डीलिंग कर रहे हैं। और अभी ना प्राइस में थोड़ा सा पंगा पड़ रहा है, और कल इंशाल्लाह देख लेते हैं, क्यों भाई
कल इंशाल्लाह देखते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे या इसी वीडियो में हम आपको मिलेंगे, साथ रहिएगा। अच्छा तो बॉयज़ अभी हम घर आ चुके हैं और नेक्स्ट जो स्टोरी है ना, अभी हमने 3 गाड़ियाँ सेलेक्ट की हैं और ये कोई भी ड्रामा मूवी नहीं चल रही, ठीक है ना, सारी सच्ची बात थी। सुबह से हम खवारों ने रोजे की हालत में और काफ़ी शोरूम्स के अंदर गए हैं। अब बीच में कुछ गाड़ियाँ हमने देखी थी पार्कविल वगैरह पे, यहाँ पे आसपास देखी थी, तो वो अब पता क्या डीलर्स लगा के बैठे थे। सबसे पहले तो कमीशन रेडी करो गाड़ियों पे, फिर उससे गंदी गाड़ियों को भी अच्छा कह के ना बेच रहे होते हैं। मैंने कहा यार तूने दुबई चले जाना है कुछ दिनों बाद, अब पीछे रहनी है तेरी फैमिली के पास गाड़ी, और वो उन्होंने लेडीज़ ने ही यूज़ करनी है, तो तूने यो गाड़ी रख जो कि तंग ना करे। मैंने नई का ही मशवरा दिया, हालांकि मैं नई के अगेंस्ट हूँ, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना, आप लोगों के पास भी अगर एक्स्ट्रा पैसे हों, मतलब कि अच्छे पैसे हों, तो आप नए की तरफ ही जाएं। MG एक देखिए, MG एक अच्छी ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन वो उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि वो फ्यूल एवरेज के लिहाज से बहुत गंदी है और उसके अंदर 97 रॉन्स फ्यूल ही चाहिए, मतलब कि हाई ऑक्टेन के अलावा वो फ्यूल कोई भी नहीं लेती। उसके बाद हैवल H6 आ जाती है, वो काफ़ी अच्छी ऑप्शन थी, एक कंप्लीट SUV, मतलब कि क्रॉसओवर कार है और उसके अंदर बहुत से फीचर्स हैं, प्लस हाइब्रिड भी है। 25 की एवरेज कहते हैं लोग, मुझे नहीं पता किस तरह देती है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके अंदर जो सबसे अच्छी ऑप्शन है, आप नॉर्मल फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये है, वो 1,27,00,000 की थी। और तीसरी जो थी, मैंने कहा अगर तुम्हें सेडान में जाना है, ठीक है, तो सिविक लेटेस्ट जो है RS और उसके अगेंस्ट सोनाटा, इन दोनों में से कोई देख ले। तो उसने कहा मेरे पास ऑलरेडी अभी 80,00,000 हैं, लेकिन अब मुझे ऊपर की पसंद आ गई है, तो इसलिए अब्बू का वेट कर लिया जाए। अब अब्बू आएंगे, पहुंचने वाले होंगे, ठीक है, इंशाल्लाह दुबई से, और वो आके मशवरा करेंगे उसके, तो देख लेंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे इंशाल्लाह जो भी सीन हुआ। और मसला ये है कि कल हमने जाना है और उससे अगले उसी रात को चांद रात भी है, तो बस हमारी बुकिंग हो जाए, पेमेंट वगैरह का सीन यस हो जाए, तो गाड़ी कल आपको दिखा के रहेंगे इंशाल्लाह। और ये थोड़ी सी थी टेक्निकल चीज़, क्राउन की तरफ मेरा बिल्कुल पुश था, लेकिन मैं अरसलान भी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा हमारी सारी गाड़ियाँ बिक चुकी हैं, लेकिन क्राउन हमने बीच में से निकाल दी क्योंकि वो 14-12 मॉडल मिल रही थी, वो भी करोड़ की लाइन में मिल रही थी, तो हमने कहा अभी इस लाइन में आ जाते हैं। तो काफ़ी मज़े की जर्नी है और ट्राइयाँ मारता रहूँ मैं, और जो मेरा माइंड सेट था मैंने उसको सारे वो मशवरे दिए, और मैं तो कमीशन वाला बंदा नहीं हूँ, मैं दोस्त हूँ, मैंने देना है अच्छा मशवरा कि वो मुझे दुआओं में याद भी रखे, और दूसरा ये है कि मुझे भी खुशी हो और मैं भी देख लूँ यार कैसे परचेजिंग होती है, तो एक्सपीरियंस ही सही। अभी मैं वीडियो बंद करने लगा हूँ और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोगों की नज़र में इन तीनों में से कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी, तो वो भाई भी पढ़ रहा होगा, तो सुबह तक इंशाल्लाह फाइनल कर लेंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त और कल तक के लिए वेट कीजिए, अल्लाह करे कोई सीन बन जाए, नहीं तो ईद के बाद तो बनना ही बनना है। हमें दीजिएगा इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।